सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी भाजपा। भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी नींव में असंख्य कार्यकर्ताओं का त्याग, परिश्रम एवं बलिदान है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विचारधारा को समर्पित है और मां भारती की सेवा में दिन रात लगा रहता है। जहां पार्टी सिद्धांत निष्ठ राजनीति में विश्वास करती है, वहीं इसके कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में राष्ट्रहित और जनसेवा सर्वोपरि रहता है। भाजपा भी आम जनता की आशा आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली पार्टी बनने के लिए अपने कमल रूपी गुलदस्ते में सतत नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ती आई है। 2014 में अध्यक्ष पद ग्रहण करने के तुरंत बाद श्री अमित शाह ने पार्टी के संविधान में संशोधन लाकर सदस्यता अभियान को नया और प्रभावी स्वरूप देने का कार्य किया। आईटी की सहायता से सदस्यता अभियान को पारदर्शी बनाने की रूपरेखा तैयार हुई और 1 नवंबर 2014 को भाजपा मुख्यालय में सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ। सशक्त भाजपा सशक्त भारत बनाने की तैयारी शुरू हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके पहले सदस्य बने। ये भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों सदस्यों का गुलदस्ता ऐसा होना चाहिए कि किसी भी भूभाग के व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई फूल इस गुलदस्ते में है। इस सदस्यता अभियान को आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का एक अभियान मत समझ। इस सदस्यता अभियान को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत का एक अभियान मत समझिए। इस सदस्यता अभियान को देश को मजबूत करने का अभियान समझिए और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार के हाथ मजबूत कर देश को विश्व में अपना उचित स्थान दिलाने के लिए जो सरकार काम कर रही है इस दिशा में जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान समझिए। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए पार्टी ने 50 से भी अधिक प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने स्वयं कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक देश के कोने कोने में प्रवास कर सदस्यता अभियान में जान फूंक दी। हर कार्य को बेहद सुनियोजित और प्रोफेशनल तरीके से किया गया। दशकों से संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर रहे आंध्र प्रदेश, असम, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा का संगठन एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा। देखते ही देखते 2 करोड़ सदस्यों वाली भाजपा 12 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली बन गई। भाजपा यहीं नहीं रुकी। 2019 में जनता ने पहले से भी ज्यादा अपार जन समर्थन के साथ दोबारा मोदी सरकार बनाई तो पार्टी ने सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया। श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भाजपा को सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बनाने की नई योजना तैयार की गई। फिर 6 जुलाई 2019 को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर सदस्यता के साथ साथ स्वच्छता का कार्यक्रम और पर्यावरण की रक्षा के लिए 5 वृक्ष भी लगाने का आह्वान किया। इस बार का सदस्यता अभियान पहले से भी ज्यादा विस्तृत रूपरेखा से तैयार हुआ। सदस्य बनने की प्रक्रिया मिस्ड कॉल के साथ साथ नमो ऐप, ऑनलाइन, ऑफलाइन, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए चलाई गई। भाजपा की सदस्यता लेने की प्रक्रिया अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध कराई गई। इस बार भी जब हम सदस्यता अभियान कर रहे हैं तो हम हर तरीके से अभियान करने का प्रयास करेंगे। हम डिजिटली भी करेंगे, मोबाइल से मिस्ड कॉल करके, हम नमो ऐप के माध्यम से भी हम अपना पंजीकृत कराएंगे और अपना मेंबर बनाएंगे और हम फॉर्म भर करके भी अपना मेंबर को बनाएंगे। तीनों तरीके से हम अपने मेंबर्स को बनाएंगे और अभी के अनुमानित आंकड़े 6 करोड़ लोग नए सदस्य बनाने का टारगेट बनाया है। अब भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जिसमें 6 करोड़ से अधिक नए सदस्य बने हैं।
भाजपा के सदस्य बनने की प्रक्रिया अभी भी अनवरत जारी है। साथ ही भाजपा ही ऐसी अकेली पार्टी है जहां आंतरिक लोकतंत्र सच्चे अर्थों में व्यावहारिक है। संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पूर्ण रूप से पारदर्शी और पार्टी के संविधान के अनुसार संगठनात्मक चुनाव कराए जाते हैं। अब तक 7,63,594 यानी 74% बूथ स्तर पर, 11,641 यानी 76% मंडल स्तर पर, 680 यानी 72% जिला स्तर पर और 32 प्रदेशों यानी 84% प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव संगठन स्तर पर संपन्न हो चुका है। तभी तो आज भाजपा का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी, वो देश के हर गांव, हर शहर और कस्बे में उपलब्ध है और पूरी जिम्मेदारी के साथ देश सेवा के साथ साथ जन सेवा और पार्टी के कार्यों के लिए समर्पित है।